हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं मुंबई स्टाइल टोमेटो राइस। तो आइए देखते हैं कैसे बनाया जाता है इन्हें। टोमेटो राइस बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन में ले लिया है ऑयल, और अब इसे हम गर्म होने देंगे। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, और अब इसमें हम ऐड करेंगे दो मीडियम साइज़ की रफली चॉप्ड अनियन, क्रॉस सौते करेंगे। अब इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मैं यहाँ हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो राइस बॉईल करके रखे हैं उनमें भी सॉल्ट है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप चॉप्ड गाजर। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। मिक्स करेंगे अच्छे से और गाजर के सॉफ्ट होने तक इसे कुक करेंगे। टोमेटो राइस में अनियन, शिमला मिर्च और टमाटर कंपलसरी सब्जियां हैं, बाकी सब्जियां आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप रफली चॉप्ड कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। इन्हें भी हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। 3-4 मिनट हो चुके हैं, और अब इसमें हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप टमेटो प्यूरी। अब प्यूरी को 2 से 3 मिनट तक कुक होने देंगे। सभी इंग्रेडिएंट सही क्वांटिटी के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के चॉप्ड टोमेटो। टमाटर को हम अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, थोड़ा मैश भी कर लेंगे बीच बीच में। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप फ्रोज़न मटर और 1/8 कप फ्रोज़न स्वीट कॉर्न। इनकी क्वांटिटी आप थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप। और अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। ये घर का बना हुआ गरम मसाला है, आप जो भी अवेलेबल हो आपके पास वो गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं। और अब हम ऐड करेंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट पाव भाजी मसाला। हम 1 टेबल स्पून ऑलमोस्ट पाव भाजी मसाला इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी मसालों को। और अब हम ऐड करेंगे 2.5 कप बॉइल्ड राइस। आप इसमें लेफ्ट ओवर राइस भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बचे हुए चावल। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर कुक होने देंगे राइस को, ताकि सभी मसाले राइस में अब्सॉर्ब हो जाएं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून विनेगर। यदि आपके पास सिरका नहीं है तो आप सिरके की जगह नींबू रस यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे टोमेटो राइस एकदम रेडी है, और अब इसे हम करेंगे सर्व, और धनिया से हम इसे गार्निश करेंगे। और यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम हैंडल दे दिया है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।